आज याकूत प्राय स्टेशन के बाजू में छोटा चंद्रानगर है, वहाँ पे एक हादसा पेश आया आग लगने की तरफ से। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ ये हादसा 10:30-11 के टाइम पे एक घर में गैस सिलेंडर को आग लगने की तरफ से दूसरे सामाना भी जले, जिसके अंदर 3 लोग, 2 लेडीज 1 जेंट्स, एक का नाम बेबू है मोहनलाल, दूसरों का नाम है उषा भाई, तीसरों का नाम है, ये 3 को आग काफी पकड़ी थी। इमीडिएट यहाँ पे एरिया के कारपेंटर फौरी जैसे मालूम हुआ बाजू हमारे वासिरुद्दीन साहब आए, आके तीनों जो जो आग थे अंदर जाकर इमीडिएट उन लोगों को आग से बाहर निकाले, बाहर निकाल के फौरी ऑटो में डाल के उस्मानिया हॉस्पिटल भी जाए। जैसे ही इतला मिली नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने खास मुझे कहा कि इमीडिएट, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले बाजू कारपेंटर थे पहुंच गए और उनको इमीडिएट लेके इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और जैसे ही इस तमाम चीज़ों की इतला मिली फायर ब्रिगेड भी आ गया, पुलिस का भी पूरा महकमा आया हुआ है, अल्लाह के फल से जानी नुकसान नहीं हुआ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी थोड़ी देर पहले छोटा चंद्रा नगर में कुछ नॉन मुस्लिम हमारे भाइयों और बहनों के घर में आग लग चुकी है। अभी इसी वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब का कॉल आया था, इसी वक्त जाकर उन लोगों की मदद करो, कुछ भी ज़रूरत है तो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जाफर हुसैन मेरा साहब भी जो है सो लगातार कॉलिंग्स पे है। जाफर हुसैन साहब अभी कहे थे कि ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाए, तो अभी उनके सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे से जो है सो उनकी चाची को, बहन को और उनके चाचा को अभी जो है सो हॉस्पिटल को रवाना करे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से थोड़े लोग अनकॉन्शियस हो गए थे, इंशाल्लाह अल्लाह पे हमारे को भरोसा है उन लोगों को जल्द से जल्द होश आ जाएगा। और अभी उनकी फैमिली हमारे पीछे ठहरी हुई है, फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वजह ये है जो है सो अभी जो है सो पटाखे फोड़ रहे थे, जैसा कि आप सबको पता है एहतियाती नहीं करने से या फिर पर्दों को आग लगने से रॉकेट्स वगैरह सिलगाने में छोटी आँच बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर रोड पर घर है, हवा कुछ ज्यादा स्पीड चलते रही थी, इस वजह से यह घटना अमल में आ गई। सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ, सिलेंडर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकाल चुके। अभी यहाँ के हमारे एरिया के पूरे लोग जो है सो मदद करे, बस्ती के जमात के लोग, 4 इंजूर हुए थे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर दूरेश्वर में लेके गए लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, जमात के लोग। अभी अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, अभी जाफर हुसैन मेरा साहब का फोन आया था, फौरी जो है सो दूरेश्वर को दवाखाने को जाके जो सो लोग रिपोर्ट दियो बोल के बोले। इंशाल्लाह हमारे अल्लाह की जात पर भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है हमारे को, इंशाल्लाह वो खतरे से बाहर रहेंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम लोग आ चुके थे असद साहब के कहने पर और अल्हम्दुलिल्लाह जेर इलाज हम लोग जल्द से जल्द अभी ऑटो में हम लोग भिजा डाले लोगों को। अभी तो एक फायर इंजन गाड़ी है, पूरा पुलिस भी जो है सो पूरा कॉपरेट कर रहा और महल्ले के लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सभी पुलिस वाले आँच बुझाने से पहले हम लोग जो सो आँच बुझा चुके थे, अभी पुलिस वाले तो पहले से थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले पूरा टोटल कॉपरेट करे और हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई और बहना भी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों भी कॉपरेट करे और इंशाल्लाह वो भी सब खतरे से बाहर रहेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर जो है सो दूरेश्वर हॉस्पिटल को जा रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अल्लाह सेहत की दौलत दे। आमीन सुम्मा आमीन।